सच तो ये है कि कभी कोई सबूत था ही नहीं। हाँ, मन जरूर था मौज करने का। बस उसी मन के आगे मजबूर हो गए और दोनों निकल पड़े गुलछर्रे उड़ाने। इतल वाऊ काकी, ये क्या कर रही हैं? आवाज नीचे कर। तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि इस लड़की ने तुझे अपने जाल में किस तरह फंसा लिया है। अंबिका भाभी, आपको तो सब कुछ नजर आ रहा है ना? देखिए कैसे कबीर के साथ ये केसर एक होटल में बेशर्मों की तरह हंस रही है, उससे लाल गुलाब ले रही है। मुझे तो लगता है कि हमारे सूरज ने इन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया कि जिसके बाद इन दोनों को डर बैठ गया कि कहीं इनके रिश्ते का पांडा ना फूट जाए उसके सामने। बस फिर क्या था, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और हमारे सूरज की जान ले ली। ये क्या बकवास कर रही है काकी आप? है तलवाओ, ऐसी घटिया बात करने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? बाबूजी, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता, और सच यही है कि इन दोनों के नजदीकियों ने ही हमसे हमारे सूरज को छीन लिया। भाग, ये धोखेबाज किसी ना किसी बहाने से मेरी पत्नी के आसपास मंडराता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काकी, अब बात हद से बाहर जा रही है। हद तो तुम पार कर रहे हो कबीर। बासु, हम भी कहो, ये क्या बोल रही हो? मतलब इन दोनों की मर्यादा पे सवाल उठा रही हो? और नहीं तो क्या करूं बापूजी? मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन क्या हेतल के सवालों के कोई जवाब है इनके पास? Hey, come in, beautiful. ऑफिस में या लाइफ में? लाइफ में तो आ ही चुका हूँ, और वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और ऊपर से तुम्हारे घर वालों से भी अप्रूवल ले चुके हैं, सो इस प्यार के हाईवे पे देयर इज नो गोइंग बैक। सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है ना? आई स्टिल कांट बिलीव इट। अभी कुछ टाइम पहले ही तो हम दोनों मिले थे, पर ऐसा लगता है जैसे आई हैव नोन यू फॉरएवर। प्रतीक, आई लव यू। मन जरूर था मौज करने का, बस उसी मन के आगे मजबूर हो गए और दोनों निकल पड़े गुलछर्रे उड़ाने। क्योंकि सांस होती। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।